खेलना बहुत रास आता है और पीछे मेरे आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोग कभी डांस करते हुए निकल रहे हैं, कुछ पार्टी करके निकल रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली सेलिब्रेशन है। आप देख लीजिए यहाँ पर धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर, जिस तरह से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता है। कौन सा चैनल है? इंडिया न्यूज। ओहो, क्या नाम आपका? वो भी आ रखे हैं राजीव। नहीं नहीं जी, बोल दर्शक बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर हैं। राजीव ये बताइएगा कि आम तौर से देखा गया कि यहाँ पर जो विकेट था वो फास्ट बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा था, शुरुआत में जिस तरह से अर्शदीप ने गेंदबाजी की, शुरुआती ओवर जिस तरह से हुई गेंदबाजी भारत की तरफ से जो हुई, खास तौर से फास्ट बॉलिंग जो हुई, पेसर्स ने अपना काम किया, बखूबी किया। यहाँ पर हमने देखा कि विकेट में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी बॉलर्स को, लेकिन विराट कोहली के आगे वो जो पेसर्स थे पाकिस्तान के वो पस्त नज़र आए। शाहीन शाह आफरीदी को कोई विकेट हासिल नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा धार नज़र नहीं आई पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। जी 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 हाँ, करो पैच करो। जी राजीव मेरी आवाज मिल रही है? आज बॉलिंग में जबरदस्त प्रदर्शन रहा अर्शदीप का, जीत हासिल की और इस जीत के साथ अब वर्ल्ड कप में सफर का आगाज जीत के साथ कर लिया है मेलबर्न में। इस समय मैच से पहले जैसा जश्न का माहौल था, कुछ वैसे ही जश्न का माहौल एक बार फिर नजर आ रहा है और मेरे पीछे आप दर्शकों का हुजूम देख सकते हैं जो पूरी तरह से हिंदुस्तान की जीत के जश्न में डूब जाना चाहते हैं। और ये बहुत ही क्लोज विक्ट्री थी क्योंकि आखिरी गेंद पर एक रन की दरकार और जिस तरह से भारतीय टीम ने अपने जोश और जुनून को बिल्कुल काबू में रखा और अंत में जीत के साथ वो मैदान से वापस निकले, बहुत ज़रूरी थी ये जीत। देखिए क्योंकि जिस टूर्नामेंट में आप अच्छा प्रदर्शन करके निकलते हैं और जीत के साथ अगर आप अपने सफर का आगाज करते हैं तो फिर वो बहुत बेहतर होता है और ठीक उसी तरह से होता नजर आया। मुझे लग रहा है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी अब हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएगा, उनसे हम बातचीत भी शुरू करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे, इन सभी से हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, शानदार बल्लेबाजी की विराट कोहली ने, उनका अच्छा साथ निभाया हार्दिक पांड्या ने, एक बड़ी साझेदारी क्योंकि रोहित शर्मा के, राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज, सूर्य कुमार यादव जो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे थे वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी विराट कोहली ने की, जिस एक्सपीरियंस का उन्होंने यहाँ पे मुजाहरा किया वो बहुत काबिले तारीफ था और नतीजा ये कि भारतीय टीम एक बड़ा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। सुजाता मेरी सहयोगी मुंबई से जुड़ चुकी हैं, पहले मुंबई चलते हैं और वहां पर जानते हैं किस तरह का माहौल सुजाता वहां पर है। इस जीत के साथ ही शानदार मैच रहा, काफी रोमांचक मोड़ के बाद ये मैच जीता भारत ने अपनी झोली में डाल लिया। जी बिल्कुल, देखिए एक शानदार जीत जो है वो भारत ने दर्ज की है आज भारत बनाम पाकिस्तान के इस मुकाबले में। और जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे इंतजाम किए गए थे वहाँ, वो साइड जो आप देखेंगे तो बड़े स्क्रीन भी लगा दिए गए थे जहाँ पर ये सभी लोग जो है एक साथ बैठे हुए थे और मैच को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में लास्ट का जो क्रूशियल ओवर था जहाँ हमने देखा कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र आ रहा था भारत को ये मैच का टाइटल क्लिंच करने में, लेकिन एक बार फिर से जो है विराट कोहली और अश्विन की जो जोड़ी है इन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से एक शानदार जीत जो है वो दाखिल की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी ज्यादा जश्न भी मनाया जा रहा था, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या बोलेंगे आज जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, इंडिया जीत गई है। अमेजिंग मैच, विराट इज नेक्स्ट लेवल एंड विराट कोहली जो है एक बार फिर से किंग कोहली, जो उनको टाइटल दिया गया है उसको सिद्ध करते हुए नजर आए, इसको लेकर क्या बोलेंगे? है वो किंग कोहली, बस उसके आगे आई थिंक ये बहुत ही दिलचस्प मैच रहा है। वी वर डाउन विथ 4 विकेट्स और जिस तरीके से विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने इस गेम को संभाला है, इट शोज़ दैट इंडियन टीम इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एन इंडिया पाकिस्तान इनकाउंटर, इट्स अबाउट द प्रेशर ऑफ वर्ल्ड कप। तो ये जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर वी वर ऑल डाउन और वी वर ऑल डिप्रेस्ड और पूरी इंडिया, पूरी कंट्री, जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में वो मेरे साथ इस बात से अग्री करेंगे दैट वी हैड
कंप्लीटली गिवन अप होप। और जिस तरीके से चलिए सुजाता आप हमारे साथ बनी रहिए, सभा करीम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। सभा करीम जी, मैच में कितने उतार चढ़ाव आए? शुरुआत में लग रहा था कि भारत आसानी से जीत लेगा, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा, खासतौर से अर्शदीप सिंह ने आज बेहतरीन गेंदबाजी की, उसके बाद लग रहा था कि भारत आसानी से ये मैच जीत लेगा, लेकिन उतना आसान रहा नहीं। फाइट बहुत टफ थी, लेकिन आखिरकार कमाल देखा यहाँ पर कोहली का। आटे का मुकाबला रहा है ये, अपन अंदाज़ा लगा कि भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ 33 रन बनाए थे भारत ने, और इस यहाँ पर स्थिति से भारत को भी मुकाबला जीतने का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को, और उसके बाद ये जीत दर्ज की है। बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस जीत का विराट कोहली को और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या को, वो जो साझेदारी उन्होंने निभाई 4 विकेट गिरने के बाद, उसी के बदौलत भारत ये मैच जीत सका अंत में। एक समय अंत में तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या का विकेट गिर गया था कि बहुत कठिन हो जाएगा, पर चूंकि विराट कोहली वहां पर अंतिम समय तक मौजूद रहे, इसी वजह से सही समय पर उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए, चौका लगाया, छक्का लगाया, जिसके वजह से भारत ये मुकाबला जीत गया। और सबसे मुझे लगता है जो टर्नर ओवर था वो 1900 ओवर था, जहां पर अंतिम गेंदों पे हारिस के वो 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाया विराट कोहली ने, इसका मतलब ये था कि अंतिम ओवर में भारत को सिर्फ 16 रन चाहिए थे, वहां पर भी विराट कोहली की आवश्यकता हुई। ये बहुत ही बड़ा मैच था, बहुत ही शानदार पारी, एक मैच विनिंग पारी के लिए विराट कोहली ने एक बार फिर से दर्शा दिया है कि एक तो मेलबोर्न का जो ग्राउंड है उनको पसंद आता है, पाकिस्तान एक एडवर्सरी उनको बहुत ज्यादा भाता है, और उन्हें मजा आता है इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करना। तो बहुत ही शानदार मुकाबला रहा, मजा आ गया ये मैच देखकर। एक समय तो आपने सही कहा, ऐसा लगता है कि भारत इतना बड़ा स्कोर बनाने देगा नहीं पाकिस्तान को, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, चैलेंजिंग स्कोर था, और जो स्थिति बन चुकी थी एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत जल्दी मैच से बाहर हो जाएगा, पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की बदौलत ही भारत मैच में बना रहा और अंतिम समय में आकर भारत ने मुकाबला जीत लिया। जी, और आखिरी ओवर तक, बल्कि आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला, लेकिन यहाँ ताज्जुब सवा करीम साहब ये हो रहा है कि आमतौर से 2020 फॉर्मेट में जो आखिरी ओवर होता है, देखा जाता है कि फास्ट बॉलर को दिया जाता है। आपकी आवाज़ को हम करेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ हम सही से नहीं सुन पा रहे थे सभा करीम साहब, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल सुजाता के पास चलते हैं, उनके पास काफ़ी वहाँ पर गहमा गहमी है इस मैच जीत के बाद। सुजाता, ये जो पूरा मैच रहा शुरू में ये काफी ज्यादा जो है दिलचस्प नजर आ रहा था। Yeah, Kohli played it fantastically. We came from all the way from Ahmedabad for this match, and I think we made our day today. You should be also happy. Your boy from Gujarat took 3 wickets. Oh, absolutely. At the same time, he was brilliant with the bat. Absolutely, Harshad Pandya is real pride of Gujarat, and it was wonderful to see them here. Great going, India. पहले तो जैसे ही भारत ने मुकाबला जीता, वैसे ही जो है ये सभी लोग यहाँ पर झूमने लगे, नाचने लगे, और जब भारत जो पेट्रियोटिक सॉन्ग बजने लगे, उससे ये छोटे बच्चे तक जो है झूम उठे थे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बोलेंगे, इंडिया मैच जीत चुकी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किंग कोहली, विराट कोहली ने कैसा परफॉर्म किया आपके हिसाब से? अच्छा। अच्छा किया। आप बताइए, आप मैच कैसे, आपको कैसे लगा पूरा मैच? इंडिया मैच जीत गई है, आपने एक्सपेक्ट किया था, नहीं किया था, क्या कुछ है? क्या बोलूं अभी? इंटरेस्टिंग। The match was interesting, right? सर आप बताइए, पूरा अरेंजमेंट किया गया था, हम देख रहे हैं डेकोरेशन वगैरह सब, लोग ने इधर तक पगड़ी भी बांध रखी है, दिवाली का त्यौहार है, और ऐसे में आज इंडिया मैच जीत गई है, सबकी दिवाली मन गई एक तरीके से, क्या बोलेंगे? हम तो बोलेंगे कि दिवाली का डबल धमाका है आज, इंडिया मैच जीत गई है तो हम दिवाली डबल सेलिब्रेशन करेंगे, इंडिया मैच जीत गई है और प्लस हमारा दिवाली का त्यौहार भी है। प्लेयर ऑफ द मैच आपके हिसाब से कौन रहा आज? आएंगे सभा करीम साहब, फिर जुड़ गए हमारे साथ। सभा करीम साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि आम तौर से देखा गया है कि जो आखिरी ओवर होता है, जब इतना क्रूशियल ओवर हो, जब 6 गेंदों पे 16 रन रह गए हों और फास्ट बॉलिंग के लिए पिच मददगार हो, मौसम मददगार हो, ऐसे में बाबर का मोहम्मद नवाज पर भरोसा जताना, ये इसको किस नजर से देखेंगे आप? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
बहरहाल सुजाता हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है मुंबई से, और वहां पर जिस तरह की गहमा गहमी है इस मैच को जीतने के बाद, शानदार आज मैच रहा, और खास तौर से जो पारी रही विराट कोहली की, जो पारी रही 82 रन की पारी, धुआंधार पारी, शानदार। उन्होंने बता दिया कि आखिर विराट कोहली विराट कोहली क्यों हैं, किस जो तमाम उनके लिए जो ऑर्डर्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो लगातार अपने नाम कर रहे हैं एक के बाद एक रिकॉर्ड्स। विराट कोहली का आज भी प्रदर्शन शानदार रहा, और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये हाई वोल्टेज तस्वीरें, आम तौर से ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब जब भारत मैच जीतता है, वो पाकिस्तान से जब मैच जीतता है तो ये तस्वीरें आम तौर से देखने को मिलती हैं। और वही तस्वीरें एक बार फिर उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, वही तस्वीरें हैं, हाथों में झंडे हैं और लोगों का उत्साह, लोगों की खुशी सातवें आसमान पर है इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। और रितेंद्र सिंह सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। रितेंद्र सिंह जी, ये जो जीत हुई आज, लग नहीं रहा था कि इतनी यहां तक पहुंचेगी भारतीय टीम, लेकिन आखिरकार अंत भला तो सब भला और भारतीय टीम ने दिखा दिया अपना दम। मुझे लगता है अगर हम रोमांच की बात करें तो ये मैच जिस तरह घटा है, दिस हैज बीन अनबिलीवेबल, क्योंकि भारतीय टीम हमेशा से इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट थी, हमारे पास बेहतर आर्सेनल था, लेकिन जिस तरह ये मैच बढ़ा, जिस तरह भारतीय टीम फंसती नजर आई, 31 पे 4, 160 रन कुछ ज्यादा नहीं थे जैसा विकेट था, तो ऐसा लग रहा था शायद ये मैच हमारे हाथ से निकल गया है। लेकिन अगेन विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, उन्होंने दिखाया है कि अभी भी उनमें बहुत साल क्रिकेट बाकी है। और हार्दिक पांड्या अगेन जिस प्रेशर में उन्होंने बल्लेबाजी की, जो पार्टनरशिप पनपी विराट और हार्दिक के बीच में, वहां से ये मैच बदला और अंतिम क्षणों में ये मैच कहीं भी जा सकता था, प्रेशर बहुत बढ़ चुका था, लेकिन प्रेशर में स्कम्ब हुई पाकिस्तानी टीम, क्योंकि जिस तरह बॉलिंग की गई थोड़ा दिशाहीन बॉलिंग थी और वहां पे पूरा फायदा उठाया भारतीय बल्लेबाजों ने। बट यू हैव टू, आखिरी ओवर में 9 बॉल की गई, आखिरी ओवर में 2 वाइड बॉल्स की गई मोहम्मद नवाज ने की। मैं यही सवाल भी पूछ रहा था कि आम तौर से 2020 फॉर्मेट में भरोसा जताया जाता है, जब इतना क्रूशियल मैच हो, 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और जो विकेट था वहां का वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रहा था, ऐसे में मोहम्मद नवाज को बॉल दी गई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बाबर वहां पे उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी, और अगर हम देखें कॉन्ट्रेरी, उन्होंने पहली बॉल पे नवाज ने हार्दिक पांडे को आउट कर लिया था, तो जॉब वॉज हाफ डन, लेकिन उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच का, उंगलियां सुन हो जाती हैं, आपका शरीर सुन हो जाता है बतौर प्लेयर, कई बार तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, लेकिन इस प्रेशर को बेहतर झेला है भारतीय लड़कों ने, विराट कोहली ने, हार्दिक पांड्या ने, दिनेश कार्तिक ने, अश्विन ने, जिस तरह आखिरी 2 बॉलें खेली, वो वाइड बॉल जिस तरह हुआ, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, थोड़ा साइड पे हो गए, वो जानते थे लेग स्टंप पे गेंद की जाएगी और हमें 1 रन वहां मिला। तो जी हाँ, मुझे लगता है ये मैच, अगर हम बात करें हु वॉज द डिजर्विंग विनर, तो शायद भारत, क्योंकि पाकिस्तान भी ज्यादा पीछे नहीं था, यू हैव टू गिव इट टू देम, बट एंड ऑफ द डे जो टीम बेहतर क्रिकेट खेली है, टच बेटर के लिए, वो है भारतीय टीम, बिकॉज़ हम आज विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं बॉलर्स पे भी आऊंगा, अभी तक बॉलर्स का जिक्र नहीं हुआ है, जितनी शानदार गेंदबाजी भारतीय पेसर्स ने की उनका भी जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार शर्मा साहब। राजकुमार जी, आज शानदार, आपके शागिर्द ने कमाल कर दिया। जी हाँ, पूरे देश को दिवाली का गिफ्ट दिया है विराट ने आज, और बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह की आज बैटिंग की है तो बहुत ही लाजवाब, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स किसी भी भारतीय द्वारा खेली गई पारी होगी ये आज। जी, और इतना प्रेशर था क्योंकि मैच बहुत ही ज्यादा दबाव में खेल रहे थे भारतीय खिलाड़ी, लेकिन जैसा कि रितेंद्र कह रहे थे कि उस दबाव पर काबू पाया भारतीय खिलाड़ियों ने और यहीं से जीत का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा प्रेशर गेम था ये, और भारत ने अर्ली विकेट्स खो दी थी, एक समय लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, और वो टास्क और मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि शानदार गेंदबाजी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन बखूबी उस प्रेशर को हैंडल किया, और इसीलिए उनको चेज मास्टर कहा जाता है, और उन्होंने आज दिखाया कि क्या मादा रखते हैं वो, क्यों उनको किंग कोहली कहा जाता है या क्यों उनको इतने लोग इतना
प्यार करते हैं, इतने उनकी फॉलोइंग है, तो विराट कोहली ने दिखाया कि वो किस मेटल के बने हुए हैं या वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, और जो उन्होंने आज फिर करके दिखाया भारत के लिए। जी सबा करीम साहब, बल्लेबाजों की बहुत सारी बात हो गई, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज भारतीय पेसर्स का रहा वो भी कमाल का रहा। जिस तरह से अर्शदीप ने अपने स्पेल डाले, जिस तरह से भारतीय बॉलर्स शुरू से ही हावी रहे, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था शुरू से ही पूरी भारतीय टीम को। सही कहा आपने, हमारी शुरुआत काफी अच्छी रही। अर्शदीप जो कितने पहला विश्व कप का मैच खेल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध, वहां पर उन्होंने अपने पहली गेंद पर सबसे बड़ा विकेट पाकिस्तान का लिया बाबर आजम का। दूसरी छोर से फिर भुवनेश्वर कुमार की भी अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बॉल को स्विंग करा रहे थे, अर्शदीप की भी बॉल कई सारी अनप्लेबल डिलीवरीज उन्होंने डाली, तो भारत की शुरुआत इन दोनों पेस बॉलर्स की वजह से काफी अच्छी हुई। मोहम्मद शमी ने बैकअप अच्छी बॉलिंग की, बीच में अच्छी साझेदारी बन गई थी पाकिस्तान की, जब दो विकेट पे करीब 90 या 92 या 92 रन हो गए थे, पर उसके बाद हार्दिक पांडे ने आके जो मध्य ओवर्स में गेंदबाजी की वो सराहनीय है, वो काफी अच्छी रही। वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिया और इसी की बदौलत भारत ने रेस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को सिर्फ 159 के स्कोर पर, और टारगेट रखा पाकिस्तान ने भारत के लिए 160 का। तो आज हमारे पेस बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, ये फायदा रहा भारत के लिए कि भारत के पास एक और पेस बॉलिंग ऑप्शन था हार्दिक पांड्या के रूप में। तो आपके पास 3 सीम बॉलर्स हैं, उसके साथ साथ ऊपर से अगर आपके पास हार्दिक पांड्या हो, विशेष करके ऐसे विकेट पे जो थोड़ी बहुत मदद कर रही है पेस बॉलर्स की, उसका एडवांटेज आज भारत को मिला जो कि पाकिस्तान को मिल नहीं पाया। आप इसके पहले पूछ रहे थे कि अंत में अंतिम ओवर मोहम्मद नवाज ने क्यों डाला, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 पेस बॉलर्स थे और इसीलिए उनको अपने दोनों स्पिनर्स से 4-4 ओवर डलवाने पड़े, और अंतिम में उनको मोहम्मद नवाज से ही करवाना पड़ा, क्योंकि बाबर आजम को यह लग रहा था कि 19th ओवर जो कि बहुत ज्यादा डिसाइसिव होता है वहां पर हारिस राव से कराया जाए, जो कि सबसे अच्छे बॉलर है डेथ ओवर से पाकिस्तान के लिए। पर ये देखिए विशेषता है यहाँ पर विराट कोहली की, जो सबसे बड़ा बॉलर है डेथ ओवर में, हारिस राव वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉलर है, उसके विरुद्ध उन्होंने अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाया, जिसके वजह से रन चेज अंतिम ओवर में सिर्फ 15 या 16 रन का हो गया, जो कि भारत ने बखूबी पूरा किया। जी सीधे मेलबर्न चलते हैं, हमारे साथ राजीव शर्मा, राजीव मिश्रा भी जुड़ गए हैं। राजीव ये बताइएगा कि जिस तरह से भारतीय टीम जीती है, रितिंदर से हम बात कर रहे थे, रितिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के मैच में खास तौर से बॉलर्स की उंगलियां सुन हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग सुन हो जाता है, लेकिन ऐसे में भारतीय टीम ने दिखाया कि वो हर तरह का के दबाव में खेलने के लिए तैयार है। देखिए अबुल, बहुत क्लोज इनकाउंटर था। देखिए भारत पाकिस्तान के मैच इसीलिए तो नेल बाइटिंग होते हैं, और नेल बाइटिंग फिनिश भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर बहुत तारीफ करनी चाहिए विराट कोहली की, जिस अंदाज में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, हार्दिक पांड्या को जिस तरह से वो साथ लेके चले, और उनको पता था मैच वो फिनिश करके आराम से मैदान से जाएंगे। और देखिए अगर मैं बात करूं, पिछले 24 घंटों में मैं राजकुमार जी से लगातार चर्चा कर रहा था कि नेट प्रैक्टिस में कोई अगर सबसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है तो वो विराट कोहली है, और विराट कोहली ने वो कर दिखाया। राजकुमार सर, मेरा सवाल आपसे है, नेट्स में जब आप हमेशा कहते हैं कि नेट्स में अगर विराट अच्छा खेल रहे होते हैं तो उसका असर सीधे मैच में नजर आता है, ठीक वैसे ही आपको लग रहा है कि नेट्स में, जो मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि बहुत अच्छे फॉर्म में है विराट, कुछ इसी अंदाज में विराट ने बल्लेबाजी भी की? बिल्कुल राजीव, मैं जब आपने मुझे बताया था कि वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो उनका यही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो फिर मतलब कभी कोई चिंता की बात नहीं होती, तब वो बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं कि बैट से बॉल अच्छा लग रहा है अगर नेट्स में, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि सामने कोई भी गेंदबाज होगा या कोई भी टीम होगी या कोई भी परिस्थिति होगी तो वो उसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं। और जब आपने कहा था कल कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नेट में, तो मुझे सभी से लग रहा था, और आज सुबह से शो से पहले हमने बात भी की थी ये कि आपने कहा था कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो मुझे लग, मैंने तब भी कहा था कि मैं बस यही दुआ करूंगा कि वो उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं राजकुमार सर, यहाँ जीत का जो जोश है वो शुरू हो जाएगी। वैसे तो दिवाली कल है, छोटी दिवाली आज है, लेकिन सभा भाई लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जिस अंदाज में स्टार्ट हुआ था भारतीय पारी, जिस तरह से खेली वो टेम्पलेट तो था नहीं, जोश है जिस टेम्पलेट की हम जरा दिखा दें, चर्चा कर रहे हो, बायलेटरल सीरीज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम अपना टेम्पलेट, अपना जो गियर है वो बदल देते हैं, थोड़े से चौके थे जब पहले 6 ओवर में हमने सिर्फ 28 रन बनाए, वो इस वजह से हुआ राजीव के बहुत जल्दी बहुत
सारे विकेट गिर रहे थे, केएल राहुल आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर गया, उसके बाद दर्शन पटेल आउट हो गए। देखिए भारत की विशेषता यही है कि भारत की टीम में इतना ज्यादा अनुभव है, उनको पता है कि रन चेस में किस तरह से आपको टेम्पलेट बदलना है। तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने क्या किया, जब तक कि 10 ओवर हुआ तब तक उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की, उसके बाद जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच शुरू हुआ पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या विराट कोहली ने एग्रेसिव बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय बाबर आजम दोनों स्पिनर्स के साथ अटैक कर रहे थे, मोहम्मद नवाज और उसके साथ साथ शादाब खान। तो शादाब खान के एक ओवर में 9 रन आए, उसके बाद जो जी हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने, और वहां से जो पैटर्न वो बदल गया, इसका ये मतलब है कि भारत की बल्लेबाजी में इतनी गहराई है, इतना अनुभव है, और उसी का फायदा आज हमें देखने को मिला। तो शुरुआत जो एग्रेशन था हार्दिक पांड्या ने दिखाया, और उसके बाद वहां से जो शुरुआत मिली हमारे साथ जो मैच जीत के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सभा भाई एक एक रिएक्शन जरा, सभा करीम है हमारे साथ इंडियन टीम के प्लेयर, वो बात कर रहे हैं, जरा फैन से भी बात कर लेते हैं। आखिरी बॉल तक रोमांच चला गया, कैसा लगा? बहुत मस्त चला यार, कब थोड़ी देर तो सांसें रुक गई थी, लेकिन मालूम नहीं उसने नो बॉल डाल दिया, वहां से गेम चेंज हो गया। फिर एक और वाइड आया, फिर नो बॉल फ्री में एक रन आया, ओह माशाल्लाह, वल्लाह कोहली आउट नहीं आउट, वही हुआ, नो बॉल काम कर गया हमको। ये विराट विराट की बल्लेबाजी के बारे में क्या? बहुत अच्छी थी जी, बहुत अच्छी, वो लास्ट ओवर तक रुका था जी जी। तो ये फैंस का निकलना सभा भाई शुरू हो गया है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे लोगों के रिएक्शन हम लेते रहेंगे, बट ये आपने सुना और देखा भी कि किस तरह कोहली इज गॉड, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया से कहा जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए, तो दोहरी खुशी है आज, यहाँ दिवाली भी मनाई जा रही है, छोटी दिवाली है, और अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी लोग हमारे साथ बने। टीम ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया और जीत के हीरो रहे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। हालांकि भारतीय गेंदबाजों को भी नहीं भूलना चाहिए, अर्शदीप सिंह ने शानदार आज गेंदबाजी की और हार्दिक पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मेलबर्न से जुड़े हुए हैं। राजीव, यहाँ तो वाकई दोहरी खुशी है पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि एक तरफ दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है और यहाँ पर एक और खुशी दे दी है भारतीय टीम ने। बिल्कुल अबुल, और अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पटाखे पर बैन है, लेकिन मेलबर्न में बैन नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज में विराट ने बल्लेबाजी की, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की, उसके अलावा गेंदबाजी में जिस तरह से बम फूटे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो चाहे अर्शदीप हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार की बात कर लें, या जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर भारतीय टीम ने परफॉर्म किया। और इसी वजह से देखिए, कहने को तो आदमी कहेगा आखिरी गेंद पे मैच जीते, लेकिन आप मैच अभी जीते हैं जब आप मैच जीतने के लिए प्लानिंग बेहतर करते हैं, और यहाँ पर विराट की प्लानिंग मुझे लग रहा है ज़्यादा बेहतर थी। विराट ने जिस तरह से अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग्स जो अक्सर वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, और कल मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान और फिर उसके बाद मेलबर्न कनेक्शन विराट को बाकी खिलाड़ी से अलग करता है मेलबर्न के मैदान पर। और रितेंद्र भांगड़ा हो जाए एक बार पहले, बहुत बड़ी जीत है, रितेंद्र आवाज आ रही है, जी सभी मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, सभा करीम साहब भी हमारे साथ हैं, रितेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। चलिए चलिए वंदना के पास चलते हैं, वंदना के पास चलते हैं एक बार। मुझे लग रहा है दीपावली आज दोनों तरफ से दिखानी चाहिए, अयोध्या में क्या कुछ दीपावली में चल रहा है, और मेलबर्न से मैं आपको दिखाऊंगा कि दीपावली के ठीक पहले भारतीय टीम की जीत के जश्न का किस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है, ये कहें जश्न ऑलरेडी शुरू हो चुका है। वंदना कैसी तैयारी है अगर हम बात अयोध्या की करें तो? जब भारत पाकिस्तान को मैच हरा देता है, और आज तो दीपोत्सव है, छोटी दिवाली का दिन है, अयोध्या में भी जो लोग आए हुए हैं, हमने मैच का ऐसा भी नजारा देखा कि यहाँ पर जो श्रद्धालुगण थे वो भी टीवी पर मैच देख रहे थे, इंडिया पाकिस्तान में किस तरह से मैच खेला जा रहा था, बड़ा रोमांचक मोड़ पर आ गया था एक वक्त में, वो सब लोगों ने देखा है, बातचीत करेंगे कितने उत्साहित है, आज इंडिया मैच जीत गई है और आज दिवाली का दिन है। अच्छा लग रहा है, खुशी है, हमारे लिए दिवाली कल थी पर आज हम मैच जीत गए, हमारे लिए दिवाली आज ही हो गई, बहुत ही अच्छा लगा, और वो भी अयोध्या की पावन भूमि पे, बहुत ही मजा आया। हम लोग यहाँ दिवाली पर आए इसलिए हमको बहुत अच्छा, और आज मैच जीत गई है इसलिए बहुत हमको बहुत आनंद हो रहा है, हम लोग अभी घर जाके फटाके फोड़ने वाले हैं।
पाकिस्तान का मैच होता है तो सब लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोग बनारस से आए हैं, बाबा विश्वनाथ जी के नगरी से आया हूँ, वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत बना है अच्छा, और उसी तरह मैं चाह रहा हूँ। सर इंडिया इंडिया पाकिस्तान का आज मैच था, इंडिया मैच जीत गई। जो बोलना चाहते वही मुझे बोलने दीजिए, हम इंडिया पाकिस्तान अपने जगह पर है, हम भगवान के बारे में आए। ठीक है उन पर भी बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच जीत गई है तो कैसा आप? हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैच जीत गए और हम अयोध्या में आए हैं, हमको यहाँ पे सुकून शांति मिल रही है। यह मोदी जी आए हमारे गुजरात के, पहले प्रधानमंत्री थे अब वड़ा प्रधान बन गए, हमको अच्छा है। इंडिया मैच जीत गई, आपने देखा? हाँ देखा मैंने, देखने का तो मौका नहीं मिला है, लेकिन आज मोदी जी का कार्यक्रम था इसीलिए देखने को नहीं मिल पाया, बट लेकिन लास्ट एक ओवर मैंने देखा ऑनलाइन, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। राजीव देखिए यहाँ लोग एक्साइटेड हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि दिवाली उनकी अब मन गई है, क्योंकि हालांकि जो मुख्य दिवाली है वो कल है, लेकिन आज ही वो लोग बड़े उत्साहित हो गए हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को हराकर उसको पटकरी देकर मैच यहाँ पर जीती है। और यही हमने दृश्य भी देखा था जब तमाम जो श्रद्धालु थे वो टीवी पर मैच देख रहे थे, पूजा तो अपनी जगह उनकी चल ही रही है लेकिन टीवी पर मैच देखते हुए तालियां बजाते हुए भी हमने उनको देखा है, तो राजीव यहाँ का उत्साह भी देख के बन रहा है। बिल्कुल, और उत्साह देख रही है, मेरे पीछे फैंस आ जा रहे हैं, सब गले भी लगा रहे हैं और गले लगाने के साथ विराट को याद कर रहे हैं। विराट ने जिस तरह का परफॉर्म किया, एक बार देखिए फिर आगे विराट कोहली और ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीत का जश्न कैसे बन रहा है। और ये होता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो फिर इस तरह की तस्वीरें आप आमतौर पे देखते हैं और कुछ वैसी ही यहाँ पे तस्वीरें नजर आ रही है बंदा। लेकिन वापस मैं वापस उसी सवाल पे आ जाता हूँ, राजकुमार सर के पास आ जाता हूँ। राजकुमार सर, दिवाली वैसे तो दिवाली पे पटाखा चलाना दिल्ली में तो बैन है, बट मेलबर्न में विराट बिल्कुल नहीं माने, विराट बम, विराट पटाखा, विराट अनार सब कुछ चला आज मेलबर्न में। बिल्कुल राजीव, बहुत बेहतरीन पारी थी और पूरे देश को इतनी खुशी हुई है कि दिल्ली में भले ही बैन है पटाखे, लेकिन आप अगर देखें इस टाइम दिल्ली में पटाखे चल रहे हैं, दबाकर पटाखे चल रहे हैं, हम लोग खुशियां मना रहे हैं, आज भी वो दिवाली मना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आज उनके ऊपर फाइन भी नहीं लगेगा या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है ये, तो सभी लोग बहुत खुश हैं। भारत के गृह मंत्री ने भी अभी अभी बधाई दी है भारतीय टीम को, तो पूरा देश हैप्पी दिवाली में बोल रहे हैं। राजकुमार सर, विराट कोहली के कोच हमारे साथ हैं, तो ये देखिए विराट के बहुत ढेर सारे फैंस हैं और सब हैप्पी आपको हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं यहाँ से। हैप्पी दिवाली, हाँ जी हाँ जी, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली, तो हम सबकी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत, चलिए राजकुमार जी भी आप सबको बधाई दे रहे हैं जो विराट कोहली के कोच है। तो देख रहे हैं अब राजकुमार सर, ये एक्चुअली दिवाली हम लोग, हम मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बेहतर तरीके से मना रहा हूँ, घर से दूर हूँ, लेकिन विराट ने मौका दे दिया कि दिवाली कम से कम खुशी-खुशी मना सके। वैसे जब सिडनी जाएंगे तो और बेहतर तरीके से मना सकेंगे, जब जीत हो जाती है तो फिर ये सवाल कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई भारतीय टीम की उसको देखकर चिंताएं बढ़ गई थी, और न सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि आगे के लिए भी, और वो थी केएल राहुल की जो फॉर्म है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो जो क्रिकेट के जानकार हैं या क्रिकेट बोर्ड है या जो हमारे सेलेक्टर्स की टीम है, उनको जरूर चिंता हो रही होगी केएल राहुल की फॉर्म को लेकर। देखिए नहीं अबुल, मुझे तो कोई चिंता नहीं थी, प्रैक्टिस मैच तीन हुए हैं, तीन में दो अर्धशतक उन्होंने लगाए थे, और देखिए ये कभी कभी लक होता है कि बैट आपके पैड पे लगे फिर आपके विकेट पे चली जाए, एक मैच से बहुत जल्दी निर्णय हम नहीं ले सकते, एक मैच हुआ है और अभी एक मैच में हम कहने लगे कि अगर कोई खराब खेला ऐसे तो अक्षर पटेल के एक ओवर में 21 रन पड़ गए उधर। जी चलिए, सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस समय मुंबई से, और मेलबर्न से मुंबई तक का सफर वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन आज जीत के बाद लग रहा होगा सुजाता की बहुत नजदीक हम खड़े हैं इस जीत का जश्न देखने के लिए।
बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मुकाबला था ये कहीं ना कहीं टक्कर से टक्कर वाला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो कमबैक किया था और जिस तरीके से उनके जो गेंदबाज थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के भी चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मुंबई में बात करें तो, लेकिन चाहे वो शिवाजी पार्क की बात कर ले या फिर कई सारे ऐसे प्राइवेट ग्राउंड में जो है इसी जो तैयारियाँ की गई थी, जहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का यही कहना था कि भारत ही मैच जीतेगा और इस बार की दिवाली जो है भले ही आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है लेकिन जीत के बाद आज ही उनकी बड़ी दिवाली जो है वो मनाई जाएगी। ऐसे में अगर ये आपको मैं यहाँ का दृश्य बताऊँ तो ये एक प्राइवेट क्लब है जहाँ पर आज जो है तैयारियाँ की गई थी भारत बनाम पाकिस्तान के मैच के लिए। और साथ ही अगर आप यहाँ का दृश्य देखें तो इस समय तो हालांकि सभी लोग जो है अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तैयारी की गई थी। और साथ ही अगर आप सामने देखें तो बिग स्क्रीन पर सोफ़ास वगैरह सब लगा कर जो है यहाँ पर मैच को एंजॉय किया जा रहा था। कुछ ऐसे ही जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या बोलेंगे आज इंडिया जो है मैच जीत गई है, कैसा फील हो रहा है? I'm so happy that इंडिया मैच जीत गई है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? विराट कोहली ने एज यूजुअल परफॉर्म किया है, राइट ही हैज डन हिज बेस्ट। एंड रोहित शर्मा आज परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसका कुछ आपको अफसोस हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये तो कहीं ना कहीं खुशी जो है वो साफ जाहिर हो रही है कि लोग जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो उनकी दिवाली है उसे डबल धमाके के नाम पे भी बताया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरीके से जो है यहाँ पर जश्न मनाया गया, खाना पीना तो रखा गया था, जूस भी रखे गए थे, लेकिन साथ ही जो है केक भी कट किया गया क्योंकि भारत ने आज मैच जीत लिया है। तो ऐसे में हर घर में आज मैच देखा गया है और दिवाली जो है इस बार की डबल धमाके वाली मानी जा रही है सभी भारतवासियों के लिए, सभी लोगों के लिए। जैसे कि हमने देखा, जैसे आपने बताया कि मेलबर्न और मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस है वो अब कम हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में जो खुशी नज़र आ रही है या वहाँ जो चीख हम जो लोग बोल रहे हैं वो हमें यहाँ सुनाई पड़ रहा है, भले किसी भी मीडियम से हो, लेकिन जो खुशी है लोगों में भारत के मैच जीतने पर वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हम सब इस स्पोर्ट्स से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हमारे प्लेयर्स से कितनी ज़्यादा उम्मीदें जो है वो लोगों को थी दिवाली को। हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है सुजाता तक। बहरहाल